हेलो फ्रेंड, मैं विमल अग्रवाल, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में कुछ फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करते रहते हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंच सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो वैकेंसी निकली हुई है ये स्टेट लेवल पर निकली हुई है या सेंट्रल लेवल पर निकली हुई है। तो यहाँ पर जो फार्मासिस्ट की पोस्ट रहने वाली है, नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लें तो 32 नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है। डिपार्टमेंट की बात कर लें तो हेल्थ, मेडिसिनल, एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट रहने वाला है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ बताया गया है पोस्ट 32 रहने वाली हैं और जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर रहने वाला है हेल्थ, मेडिसिनल, एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। आगे अगर नंबर्स ऑफ पोस्ट की बात कर लें तो 17 नंबर ऑफ पोस्ट। यहाँ पर कैटेगरीज वाइज पोस्ट को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल 32 जो पोस्ट है वो उनको डिवाइड किया है डिपार्टमेंट वाइज, अलग अलग फार्मासिस्ट डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि 32 पोस्ट में से कुछ पोस्ट आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की होंगी, कुछ पोस्ट यूनानी फार्मासिस्ट की होंगी और कुछ पोस्ट उनमें से एलोपैथिक फार्मासिस्ट की होंगी, और उन पोस्टों को भी कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा नंबर ऑफ पोस्ट 17 है कैटेगरीज वाइज। यहां पर जैसे जनरल के लिए 8, एसटी के लिए भी यहाँ पर 8 हैं और एससी के लिए 1 है। यहाँ पर इस तरीके से एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, डिप्लोमा इन फार्मेसी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास में रजिस्टर्ड अंडर झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल, झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल से एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आपको रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है यहाँ पर, और आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वालिफिकेशन भी आपके पास में कुछ ना कुछ होनी चाहिए या एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर ये जो पोस्ट निकली हुई है ये आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट निकली हुई है, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लें तो 2 नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली हैं। इसमें आपके पास में आयुर्वेदिक डिप्लोमा फार्मेसी होना मैंडेटरी है। यूनानी की यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है, इसके लिए आपके पास में यूनानी फार्मेसी डिप्लोमा होना मैंडेटरी है। होम्योपैथिक फार्मेसी फार्मासिस्ट की भी पोस्ट है यहाँ पर, उसके लिए आपके पास में होम्योपैथिक फार्मेसी डिप्लोमा होना मैंडेटरी है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट निकली हुई है यहाँ पर। ये जो नंबर ऑफ पोस्ट 11 नंबर ऑफ पोस्ट निकली हुई है ये निकली हुई है RBS के डिपार्टमेंट में, ये पोस्ट निकली हुई है। ये एलोपैथिक फार्मासिस्ट की पोस्ट रहने वाली है 11 पोस्ट, कैटेगरीज वाइज इनको भी डिवाइड किया गया है। जैसे कि जनरल के लिए 6 और एसटी के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट रहने वाली हैं। इसके लिए आपके पास में डिप्लोमा इन फार्मेसी होना मैंडेटरी है, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए, और आप एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पर पोस्ट दी हुई है, क्वालिफिकेशन दी हुई है और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर मेंशन की हुई है। ये जो फार्मासिस्ट की 1 पोस्ट निकली हुई है ये NTEP डिपार्टमेंट में यहाँ पर ये वैकेंसी निकली हुई है। आपके पास में 1 ईयर एक्सपीरियंस होना भी मैंडेटरी है एज ए फार्मासिस्ट किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल से। उसके बाद में ये अलग डिपार्टमेंट है यहाँ पर, तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की ये पोस्ट निकली हुई है फार्मासिस्ट की। एज लिमिट की बात कर लें तो यहाँ पर दिया हुआ है मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट अकॉर्डिंग टू जनरल कैटेगरी 35, अकॉर्डिंग टू OBC कैटेगरी 37, और फीमेल अनरिजर्व जो कैटेगरी में आते हैं उनके लिए यहाँ पर 38, और SC ST के लिए कैंडिडेट जो है उनके लिए रिलैक्सेशन एज में 40 ईयर तक का यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी रहने वाली है, किस तरीके से आपको अप्लाई करने हैं तो जान लेते हैं। बेसिकली इस पेज की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगी, आप लिंक को क्लिक करके ये पेज को ओपन कर सकते हैं, और स्क्रॉल डाउन करते हुए जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको सबसे पहले तो ये पता चल जाएगा कि ये आपको अप्लाई किस तरीके से करना है। ये आपको इसका जो है फॉर्म डाउनलोड करना है और दिए हुए डेट से पहले आपको ये वहाँ पर बाय पोस्ट सेंड कर देना है। तो एप्लीकेशन फॉर्मेट किस तरीके से डाउनलोड होगा, जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक को क्लिक कर लोगे जो पेज की लिंक दी हुई है तो ये पेज ओपन होगा। स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आओगे तो लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म एंड मोर इन्फॉर्मेशन। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक PDF डाउनलोड होगी जिसमें इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा, और उसके साथ साथ जब आप उस PDF को स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ जाओगे तो उसमें एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दिया हुआ होगा, जो कि आपको प्रिंट आउट करके प्रिंट उसका निकाल के रखना है और वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद में आपको अपने जो रिलीवेंट डॉक्यूमेंट हैं, सारे रिलीवेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि 10th, 12th और आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी की मार्कशीट, सर्टिफिकेट,
आधार कार्ड, पैन कार्ड और आप एज ए रजिस्टर्ड झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल, इनके सबके डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स करना है आपको। और उसके साथ में एक जो एज ए फार्मासिस्ट आपने जो एक्सपीरियंस लिया है उसके भी लेटर की जीरोक्स करके, सेल्फ अटेस्ट करके, एक एनवलप में क्लोज करके, उस एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ में आपको स्टेपलर करके क्लोज करके आपको दिए हुए एड्रेस पर सेंड कर देना है। दिया हुआ एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इन्होंने, इसमें लिखा हुआ है एनी रीज़न डिप्टी कमिश्नर कम चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट रूरल हेल्थ सोसाइटी दुमका, ये इस एड्रेस पर आपको ये सेंड कर देना है। ये आपको ध्यान रखना है कि जिस एनवलप में आप इसको सेंड करोगे उस एनवलप में आपको पोस्ट कोड डालना है, नेम ऑफ पोस्ट डालना है और एडवर्टाइजमेंट नंबर डालना है जो कि आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन किस तरीके से दिखने वाला है। तो एप्लीकेशन फॉर्म एंड मोर इन्फॉर्मेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का फॉर्म आपके लिए मिल जाएगा। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये हमने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका, आप इसको प्रॉपर तरीके से रीड कर लीजिए। इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसमें पोस्ट कोड भी दिया हुआ है और यहाँ पर वैकेंसी भी दी हुई है, संख्या भी दी हुई है, जो नंबर ऑफ पोस्ट भी दी हुई है, क्वालिफिकेशन दी हुई है, सारी चीज़ें। बेसिकली यहाँ पर हम फार्मासिस्ट की वैकेंसियों की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो ये फार्मासिस्ट की वैकेंसी, डिप्लोमा, ये सब दिया हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो इसको। उसके बाद में स्क्रॉल डाउन करते हुए जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो ये इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट है जो कि आपको फिलअप करना है और रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ में जो जीरोक्स आपने कराई हैं, सेल्फ अटेस्ट की हैं, उनके साथ में स्टेपलर करके एनवलप में क्लोज करके दिए हुए एड्रेस पर आपको ये सेंड कर देना है। दिया हुआ एड्रेस देखो यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन किया है, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, इन्होंने सबसे पहले ये भी बोल दिया है कि ये चीज़ें आपको मेंशन करनी है, नेम ऑफ पोस्ट और यहाँ पर पोस्ट कोड और एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये आपको एनवलप में मेंशन करने हैं। और देखो ये जो एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पर, ये एड्रेस जो दिया हुआ है इस एड्रेस पर आपको ये सेंड कर देना है। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें जिससे हम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुँच सके।